हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एक दिन पहले जो मैंने उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वहाँ तक का प्रोसीजर किस तरह से होगा, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बारे में मैंने बताया था। दोस्तों, इसके बावजूद भी उस वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते और लोगों को और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनमें से मैंने दोस्तों कुछ कमेंट उठाए हैं और कमेंट उठा करके आपके जो भी सवाल है उनका जवाब देने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों जितने भी आपके कमेंट थे उनमें से जो भी कमेंट मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए या फिर ये जो है वो ज्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो उसका मैंने जवाब दिया। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपका कमेंट भी जो है वो इसमें पिक किया गया हो। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला कमेंट आया सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर के कि भाई सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 है या फिर 20,000 का है। तो दोस्तों, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है उस सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में भी क्लियर कर दिया था और उसमें मैंने बता दिया था कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सीट है, अगर आप अपनी काउंसलिंग गवर्नमेंट सीट के लिए करवा रहे हो आयुर्वेद के अंदर, होम्योपैथी के अंदर, यूनानी के अंदर, तो आपको 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा कराने हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप प्राइवेट में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपये जो है फीस सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे जमा करानी। तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपके 20,000 रुपये और 50,000 रुपये रखे गए, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। सेकंड कमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड कमेंट है कि 10th और 12th का एडमिट कार्ड बिग प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट, सर अगर एडमिट कार्ड ना लगाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कमेंट कल की वीडियो में देखने को मिला था वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही देखने को मिला था, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हुए कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें कहीं पर भी एडमिट कार्ड के बारे में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, एडमिट कार्ड का वहाँ पर ऑप्शन है, इसका मतलब अगर आपके पास में है तो आप एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ भी सकते हो। क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट थे, या फिर जिन भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट काउंसलिंग के टाइम आपको होने वाली है, वो सारों के अंदर कहीं पर भी जो है वो एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बताया गया था, कहीं पर भी एडमिट कार्ड को मेंशन नहीं किया गया था। तो इसके आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास में एडमिट कार्ड अवेलेबल है तो आप उसकी डिटेल फिल कर देना, या अगर अपलोड करने की हो तो अपलोड कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आपको कोई परेशान नहीं होना, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करो, आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये बात थी दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो नेक्स्ट कमेंट ये है कि दोस्तों, भाई क्या BUMS के लिए उर्दू मस्ट है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग जो है वो आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी, इन तीन कोर्स के लिए अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको दोस्त जो भी BUMS के अंदर, मतलब कि यूनानी के अंदर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट है या फिर जो यूनानी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ कि अगर आपने 11th 12th के अंदर उर्दू से पढ़ाई की है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप आराम से जो है ले लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने उर्दू में पढ़ाई नहीं की है तो भी उन स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे आयुर्वेद में कोई भी बच्चा जाता है तो उसको फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो उसी तरह से यूनानी के अंदर भी क्या होता है कि यूनानी के अंदर लैंग्वेज जो आपको उर्दू की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब आप फर्स्ट ईयर में वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको जो उर्दू सब्जेक्ट है वो उर्दू सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपने 10th 11th 12th में उर्दू नहीं भी पढ़ी है तो भी आप BUMS में हंसते हंसते एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इसके बाद में अगला कमेंट जो किया है वो किया है कि स्टेट मेरिट लिस्ट क्या है। दोस्तों, अगर मैं स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो भी मेरिट लिस्ट है वो प्रकाशित होगी। मेरिट लिस्ट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, और उनमें से आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग और आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग उस स्टेट, उस पूरी की पूरी लिस्ट में कौन से नंबर पर एग्जिस्ट कर रहे हो, वही क्या कहलाती है, स्टेट मेरिट लिस्ट कहलाती है। हर एक स्टेट जो अपनी अपनी स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज करता है, क्योंकि जो भी आपकी के स्कोर कार्ड के अंदर रैंक होती है वो दोस्तों ऑल इंडिया की रैंक होती है, ऑल इंडिया की, चाहे कैटेगरी की बात करो या ऑल इंडिया ओपन की बात करो, तो वो आपकी ऑल इंडिया की रैंक होती है। लेकिन हर स्टेट में जो बच्चे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। तो इसलिए हर एक स्टेट अपनी अपनी जो भी काउंसलिंग उसके अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो बनाता है, और उसी के बेस पर आपके आगे से आगे काउंसलिंग होती है। दोस्तों, इसके बाद में अगला कमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाना है कि स्टेट का। अब दोस्तों, आप काउंसलिंग में कहाँ पर भाग ले रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ले रहे हो, मतलब UPI काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका
कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश सरकार का बना हुआ होना चाहिए। आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो और फिर बाद में आकर के कमेंट करते हो, तो जो भी वीडियो है दोस्तों उसको पूरी देखा करो। इसके बाद दोस्तों अगला कमेंट जो आया है, वो अगला कमेंट आया है कि जो उत्तर प्रदेश आयुष काउंसिलिंग में आपका डॉक्यूमेंट का ऑफलाइन वेरीफिकेशन है, फिजिकल वेरीफिकेशन जो होने वाला है दोस्तों, उसको लेकर के स्टूडेंट ने जो है वो कमेंट किया है कि सर 18 से 20 तारीख जो उसमें दी हुई है नोडल सेंटर तक जाने की, नोडल सेंटर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाने की, तो क्या सर वो बाद में हम जा सकते हैं या फिर हम किसी कारण से नहीं जा पाए तो क्या हमारे को बाद में जाने के लिए कुछ अलग से शेड्यूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इससे रिलेटेड कुछ कमेंट जो है वो किया गया था। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार क्या हुआ था कि जो नोडल सेंटर में जाने का परमिशन थी, उस परमिशन के अंदर आपको जो भी आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट थी उसमें कुछ रैंक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, जैसे मान लो 1000 से लेकर के 5000 बच्चों को जो है फर्स्ट दिन बुला लिया, 5000 से लेकर के 12000 तक के बच्चों को दूसरे दिन बुला लिया। तो इस तरह से उनका एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। और लास्ट में तीसरे दिन जो बुलाया था, वो तीसरे दिन जो फर्स्ट दिन नहीं आ पाए थे उन स्टूडेंट को बुला लिया था तीसरे दिन, और उसके बाद सेकेंड दिन जो भी नहीं गए पाए थे वो भी थर्ड दिन जो है वो जा सकते थे। तो इस तरह से कुछ था, ठीक है। लेकिन अब इस बार की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस बार हो सकता अब ये सारा का सारा जो है वो यूपीआईएस काउंसलिंग बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो किस दिन आपको बुलाएगी, ठीक है। अगर आपको 11 तारीख जो है वो दी गई है वहाँ पर जाने की, तो आपको 11 तारीख को जाना है। 12 तारीख दी गई है तो 12 तारीख को जाना है। अगर 13 तारीख दी गई है तो 13 तारीख को ही जाना है। आप कोशिश करना दोस्तों, अगर आप ना भी जा पाओ तो हो सकता है कि आपको बाद में बुला ले, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको बाद में अलाउ किया ही जाए। अगर आपको अलाउ नहीं किया गया तो फिर आप उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। तो इसलिए आप कोशिश करना, किसी बहानेबाजी को छोड़कर आप कोशिश करना कि जो टाइम आपको वहाँ पर नोडल सेंटर में ऑफलाइन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है दोस्तों, उसी दिन आप जाने की कोशिश करना। इसके बाद दोस्तों अगला कमेंट पूछा गया है कि जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है, स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, ये सारे की हमने इन सारों की पहले प्रिंट आउट निकलवाए, फिर उसके स्कैन करवाए, फिर उसको अपलोड करें, है ना, या फिर उसको JPG फॉर्मेट अपलोड करें, तो दोस्तों ऐसी कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आप हो, चाहे आप JPG में अपलोड करो, चाहे आप उसको जो है वह ना पहले आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ फिर उसको स्कैन करा के अपलोड करो, कैसे भी करो, बस आपका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर क्लियर शो होना चाहिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी हो है, तो उस टाइम पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है उनको अच्छे से क्लियर जो है वहाँ पर दिखनी चाहिए। बस फर्क इतना है, आप चाहे उसको JPG में अपलोड करो, चाहे उसको पहले स्कैन करो फिर डॉक्यूमेंट बनाओ, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन क्लियर जो है वो होना चाहिए इससे। तो एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये बात थी दोस्तों। अगला कमेंट जो पूछा गया है, वो पूछा गया है कि अदर स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड लोगों ने पूछा है कि जैसे मान लो कि हरियाणा के अंदर भी काउंसलिंग चल रही है, राजस्थान में भी काउंसलिंग चल रही है, तो दोस्तों वहाँ पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर लोगों का नहीं बना है, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर आपसे अभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड के दौरान नहीं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी मांगा गया, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपसे नहीं भी लगवाया गया, तो भी आप जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उस टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी बन जाए, और अगर आपको पोर्टल में ऑप्शन दिखा रहा है ना, ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात दोस्तों। इसके बारे में नेक्स्ट कमेंट जो पूछा गया है, वो पूछा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के। और दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने पिछली वाली वीडियो में कवर कर दी थी, लेकिन आप लोगों की आदत है आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो, फिर आकर के जो है कमेंट कर देते, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता देता हूं, आप वीडियो पूरी देखो तो भी ठीक, ना देखो तो भी ठीक, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का, आप में से किसी का भी नुकसान हो, किसी का सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो ना मिले, है ना, मिले किसी का एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो, तो इसी तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम ना को ना हो, इसलिए पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, लेकिन आप अप्लाई उसको नहीं करते हो तो आप वीडियो पूरी देखा करो। तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, पिछली वाली वीडियो में तो बताया था। तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट ने अपनी सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी, मतलब कि 10th और 12th का जो भी परीक्षा है, वो परीक्षा अगर यूपी स्टेट से ही की है, मतलब यूपी स्टेट का जो बोर्ड है वहाँ से अगर आपने 10th और 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपको किसी तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भी आपको कहीं पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो उस टाइम हो सकता है कि आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर उसके बारे में आपको दिया हुआ है, बताया हुआ है। तो दोस्तों ये तो बात थी उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th 12th वहाँ से करी वो, और अब दोस्तों दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने 10th 12th उत्तर प्रदेश बोर्ड से नहीं की है, उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान ही जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तभी आप काउंसलिंग का आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो इसके बाद में अगला कमेंट जो पूछा गया है, वो पूछा गया अपग्रेडेशन को लेकर के। दोस्तों जब आप
का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के एक या दो दिन बाद जो है आपको अपग्रेडेशन का प्रोसेस जो है आगे चलता है। अपग्रेड का मतलब होता है कि जो आपको कॉलेज प्रेजेंट टाइम में अलॉट हुई है ना, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जैसे आया, तो उस फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, जो कॉलेज आपको अलॉट की गई है, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं, आप चाहते हो कि मैं दूसरी कॉलेज जो है वो चूज़ कर लूँ, तो इसके लिए आपको अपग्रेड जो है वो कराना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि रिजल्ट के एक या दो दिन बाद जो है उसका शेड्यूल आपको दिखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, दोबारा से आप चॉइस फिल करोगे जो भी कॉलेज है उनमें से, और उसके बाद में वापस उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में जो भी अलॉटमेंट है वो आपको मिलेगा। अगर आपको अपग्रेड के बाद में रिजल्ट में कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है, अच्छे से सुन लेना, फिर वापस कमेंट करोगे। ठीक है, तो अपग्रेडेशन का रिजल्ट आने के बाद में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको जो फर्स्ट राउंड के टाइम कॉलेज जो पहले अलॉट हुआ था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और अगर अपग्रेड के बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वही आपका कॉलेज रहेगा। मतलब अपग्रेड का मतलब यह है कि अपग्रेड के बाद में अगर आपको जो रिजल्ट आया उसमें अगर आपको कॉलेज मिल गया तो पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपको अपग्रेड के बाद में कॉलेज नहीं मिला तो पहले वाला कॉलेज ही जो भी है आपका उसमें आ जा करके आपको एडमिशन जो सारी चीज़ें जो है वो करवानी है। तो अपग्रेडेशन का इस तरह से जो है पूरा खेल रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट जो मुझे पिछली वाली वीडियो में देखने को मिले थे, उनमें से जो भी मुझे लगे कि इनका अब मुझे रिप्लाई देना चाहिए या फिर ये स्टूडेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नए नए अपडेट है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम उसका समाधान करने की मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ, और नए नए अपडेटों को जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।